स्टूडेंट, दिस इज एक्सरसाइज 1.3, क्लास 9th मैथमेटिक्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट इन डेसिमल फॉर्म एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज. इसमें एक तो आपने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और दूसरा बताना है कि ये डेसिमल जो एक्सपेंशन बाद में आएगी ये किस टाइप की आएगी. टर्मिनेटिंग आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग आएगी, टर्मिनेटिंग रेकरिंग आएगी या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग आएगी, ये बताना है आपने इसमें. जैसा हमने उसमें भी पढ़ा था डेफिनेशन में, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन में, या इस चैप्टर की जो हमने इंट्रोडक्शन की है, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो वाला पार्ट भी साथ में देख लो, तो उससे आपको क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी. फर्स्ट पार्ट है हमारा 36/100. इसको सिंपली पॉइंट में कन्वर्ट करना है, 0.36 आ जाएगा. ये पता होना चाहिए आपको, जितनी जीरोज हों उतनी रकमें छोड़ देनी है. एक पॉइंट इधर आ जाएगा, दो है, दो पॉइंट इधर आ जाएंगे, तो 0.36 आ गया, या 0.36 लिख सकते हो आप. ये देख लो टर्मिनेटिंग है, ये इसको सिंपली लिख सकते हो आप टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये जो डिवाइड है ये हमारी एंड हो रही है, तो इसीलिए ये टर्मिनेटिंग आ जाएगा. सेकंड पार्ट है फिर 1/11. इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा. 1 जो ऊपर वाली रकम होती है वो अंदर, जो नीचे होगी वो बाहर. अब ये डिवाइड नहीं हो सकता तो 0 पॉइंट आ जाएगा. पहले ही पॉइंट लगा तो यहाँ पे 0 लग गया. एक पॉइंट का सिर्फ एक ही 0 लगता है, पर देख लो 11 के टेबल पे 10 नहीं जाता, इसीलिए पॉइंट के बाद एक 0 लगाना पड़ेगा और एक इधर लगाना पड़ेगा. अब 11 को डिवाइड करना है 100 के साथ, 9 आ जाएगा, 99 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1. अब हमने देख लो 1 से स्टार्ट किया था, दोबारा फिर 1 आ गया, तो इसका मीन्स ये दोबारा नंबर रिपीट होता है क्या है हमारा 0.09. अगर नंबर रिपीट हो तो उस पर बार लगा देते हैं, क्योंकि अगर आप इस पे यहाँ पे पॉइंट की जगह पे 0 लगाओगे तो वो फिर पहले जैसा ही हो जाएगा पूरा, इसीलिए फिर यहाँ पे 0 लग जाता एक, फिर 9 लग जाता, तो ऐसे ही रिपीट होता जाता, इसीलिए ये 0.09 बार आ गया. अब 0.09 बार है मतलब ये नंबर ख़त्म नहीं हो रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग आ गया. फिर अगर ख़त्म नहीं हो रहा तो रिपीट ही बार बार हो रहा है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में रिपीट हो रहा है, तो आंसर इसका आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ये आंसर आ जाएगा इसका. ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारा, मिक्स फ्रैक्शन है ये. इसको सॉल्व कैसे करते हो आप, इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 1, 4 × 8 32, 32 प्लस 1 33/8. इसको डिवाइड करना है अब आपको, 8 के टेबल पे जाएगा तो 4 से जाएगा पहले, 32 आ जाएगा. यहाँ पे 1 आ गया, ये नहीं जा सकता, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और अगर पॉइंट आ गया तो 0 भी आएगा साथ में, पॉइंट की 0 लगती है, एक ऐड होती है पॉइंट की 0. 8 के टेबल पे अब 1 आ जाएगा, 8×1 = 8, 2 आ गया. पॉइंट लगाया हुआ है हमने, बार बार नहीं पॉइंट लगाना, सिर्फ फर्स्ट बार लगाना होता है, तो यहाँ पे पॉइंट का 0 लग जाएगी. 8 के टेबल पे 20 लगाना है तो 2 के टेबल पे उसके करीब पहुँच जाएंगे, 16. इसको माइनस करेंगे 4, पॉइंट फिर लगाया हुआ है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. 8 के टेबल पे 40 जाता है ये 5 पे, 8×5 = 40, तो ये यहाँ पे 0 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 4.125. ये भी जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग है हमारा आंसर इसका. नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, 3/13. 3 को अंदर और 13 को बाहर. 0 पॉइंट पहले ही आ जाएगा, क्योंकि 13 के टेबल पे 3 नहीं जाता, पॉइंट लगा दिया है तो 0 भी लग जाएगा. 13×2 का आता है 26, माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, पॉइंट लगाया हुआ है तो 0 आ जाएगा. 13 के टेबल पे 3 पे जाता है हमारे पास 39, 1 आ गया, फिर पॉइंट लगाया हुआ है यहाँ पे 0 आ जाएगा.
अब 13 के टेबल पे 10 नहीं जाता, पॉइंट की तो एक जीरो लगा दी, एक एक्स्ट्रा अगर चाहिए तो यहाँ पे पहले जीरो लगानी पड़ेगी, फिर यहाँ पे लगानी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट 13 7 का 91, यहाँ पे आ जाएगा माइनस करके 9, पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे जीरो आ जाएगा। 13 6 का फिर 78, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अब पॉइंट लगा हुआ है तो जीरो भी आ जाएगा, क्योंकि 13 के टेबल पे 12 नहीं जाता, तो यहाँ पे आएगा 13 9 का 117। ये देख लो, फिर दोबारा जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे पहुँच गए। हमने स्टार्टिंग में 3 को 13 के साथ डिवाइड करना शुरू किया था, दोबारा फिर वहीं पहुँच गए। इसका मीन्स ये सारे रेपिटेशन फिर होगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा फिर 0.230769, और इस पे बार लगा देंगे हम क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये एंड नहीं हो रहा, और साथ में रिपीटिंग या रेकरिंग लगा देंगे, दोनों का सेम मतलब है। नेक्स्ट करेंगे 5th पार्ट, 1st का 2/11, ये भी डिवाइड ही होगा, 2 ऊपर और जो नीचे नंबर होगा वो नीचे आ जाएगा 11 के साथ। 11 के टेबल पे अब 2 नहीं जा रहा, तो यहाँ पे पहले 0 पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा सकते हैं हम। अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, 11 1 का यहाँ पे 9 बच गया, पॉइंट लगाया हुआ, सिंपली 0 लगा लो बस। 11 8 का 88 आ जाएगा, नीचे फिर 2 आ गया, जहाँ से स्टार्ट किया था फिर वहीं पे पहुँच गए। इसका मीन्स ये रिपीट हो रहा है नंबर, बार लगा दो इसके ऊपर 0.18, तो एंड तो हो नहीं रहा इसीलिए बार लगाते हैं, तो ये आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रेकरिंग या रिपीटिंग, कुछ भी लगा सकते हो आप। नेक्स्ट इज 6th पार्ट, 329/400। अब इसको भी डिवाइड कर रहे हैं आपने, अब नंबर देख लो फिर, ये वाला जो नंबर है ये 400 से छोटा नंबर है, तो 0 पॉइंट आ जाएगा पहले ही, पॉइंट आ गया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 400 का टेबल देख लो आप, अगर 400 का नहीं देखना, 4 का ही अकेला देख सकते हो, ये 32 देख लो, ये 8 पे 3 पहुंच जाएंगे हम, 8 पे अगर करेंगे 48 का 32, ये 2 जीरो थी, ये साथ में 2 जीरो आ गई, माइनस किया ये आ गया 90, पॉइंट लगाया हुआ है हमने, अब पॉइंट की ये सीधी यहाँ पे 0 लग जाएगी। 4 के टेबल पे ये 2 जीरो, तो 2 जीरो छोड़ दो सकते हो इसको, या कर भी सकते हो, 9 देखो 4 के टेबल पे 9 है, 4 के टेबल पे 9 अगर देखोगे तो 2 पे जाता है, ये आ गया 800, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 100, पॉइंट लगाया हुआ है यहाँ पे, सिंपली 0 लगा दो। फिर सिर्फ 4 के टेबल पे 10 देखो, क्योंकि 2 जीरो छोड़ सकते हो आप, तो 2 पे करोगे तो 800 आ जाएगा, माइनस करोगे 200 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है, एक पॉइंट की एक 0 लगा सकते हो आप, ये 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, ये छोड़ दो। 4 के टेबल पे 20 देखो, 4 5 का 20, तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा ये, तो इसका आंसर आ गया 0.8225। तो ये वाला जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग नंबर है एक, क्योंकि ये एंड हो रहा है नंबर।